जैसे शायर ने कहा है, दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ और मैं एक सच को लेकर शाम तक बैठा रहा। दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ। एंड इन कंक्लूजन सर, सर आर यू गोइंग टू शट हिम अप सर? दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ और मैं सच को लेकर शाम तक बैठा रहा। ये शायराना अंदाज और ये तेवर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के हैं। टीएमसी की तेज तर्रार सांसदों में महुआ मोइत्रा का नाम आता है, लेकिन अक्सर कई बार वो ऐसा कुछ बोल जाती हैं जिससे बवाल मच जाता है। संसद का बजट सत्र जारी है और हमेशा की तरह संसद में हंगामा भी खूब हो रहा है। 7 फरवरी को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कुछ ऐसा बोल दिया कि संसद में हंगामा मच गया। महुआ मोइत्रा ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसे संसद में असंसदीय करार दिया गया। ऐसा पहली बार नहीं है कि महुआ मोइत्रा का नाम विवादों से जुड़ा हो। वो अक्सर ऐसा बयान देती हैं जिन पर बवाल मच जाता है। बीजेपी सांसदों ने महुआ मोइत्रा से माफी मांगने को कहा, लेकिन उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। इस दौरान टीएमसी सांसद ने कहा, मुझे इसे दोहराने की जरूरत है क्योंकि वो मुझे परेशान करने और भाषण में बाधा डालने और उसे बर्बाद करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। महुआ केवल सच्चाई के पीछे है। बता दें, अपने भाषण की शुरुआत में टीएमसी सांसद ने पेगासस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री और रफाल डील पर बात की थी, जिसे लेकर बीजेपी सांसद भड़क गए। असम में जन्मी महुआ मोइत्रा ने कोलकाता से प्राइमरी स्कूलिंग करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चली गई। मैसाचुसेट्स में माउंट हॉलियोक कॉलेज से गणित और अर्थव्यवस्था में ग्रेजुएशन पूरा किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद महुआ मोइत्रा जेपी मॉर्गन के साथ जुड़ी और बतौर इन्वेस्टमेंट बैंकर करियर की शुरुआत की। 2008 में महुआ मोइत्रा भारत लौटी और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस में मन नहीं लगा तो साल भर बाद ही टीएमसी में शामिल हो गई। 2016 में करीमपुर विधानसभा से विधायक चुनी गई। 2019 में महुआ मोइत्रा संसद की सदस्य बनी। टीएमसी में महुआ मोइत्रा का रुतबा लगातार बढ़ता ही गया। 2021 में पार्टी ने उन्हें गोवा विधानसभा चुनाव के लिए इंचार्ज की जिम्मेदारी सौंपी। महुआ मोइत्रा को टीवी डिबेटों में और संसद में पार्टी की बात को दमदार तरीके से रखने के लिए जाना जाता है। एनआरसी मामले पर 2019 में संसद में सरकार पर हमला करते हुए महुआ का भाषण सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। तब विरोधियों ने भी उनकी प्रशंसा की थी। महुआ मोइत्रा अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं। पिछले दिनों मां काली पर दिए गए बयान को लेकर वो अपनी ही पार्टी के निशाने पर आ गई थी। अगस्त 2022 में उनके लुइस विटॉन के बैग की खूब चर्चा हुई, जिसकी कीमत 2 लाख बताई गई थी। साल 2015 में राष्ट्रीय चैनल पर एक बहस के दौरान महुआ ने अपनी बीच की उंगली दिखाई, इसके लिए उनकी खूब आलोचना हुई थी। 2017 में बाबुल सुप्रियो के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया और उन पर टीवी पर हो रहे बहस में महुआ महुआ पीकर बेहोश है कहने का आरोप लगाया था। महुआ मोइत्रा का विरोध करने का तरीका भी निराला है। एक वीडियो में वो सड़क किनारे टी स्टॉल पर चाय बना रही थी। ट्वीट करते हुए लिखा था, चाय बनाने में हाथ आजमाया, किसे पता है कि मैं कहां पहुंच जाऊं। वो पीएम मोदी पर निशाना साध रही थी, लेकिन कभी कभी सरकार का विरोध करते हुए वो कुछ ज्यादा ही बोल जाती है। संसद में भी यही हुआ। महुआ का भाषण खत्म होने के बाद जब के राममोहन नायडू अपनी बात रख रहे थे, तभी टीएमसी सांसद अचानक अपनी कुर्सी से उठी और सत्ता पक्ष के किसी सदस्य के लिए अपशब्द का इस्तेमाल कर दिया, जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया।